नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 तक नए मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 977 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये रही, सबसे अच्छी बात ये रही कि रिकवरी रेट देश का 73% हो गया है। इस कोरोना महामारी के दौरान भी देश के स्वयंसेविक संगठन एनजीओ भी पीछे नहीं रहे। मुंबई के जय फाउंडेशन ने वर्ली इलाके के सातकी नगर में मुंबई की भारी बारिश को देखते हुए छाता वितरण का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत जया मैडम खुद जरूरतमंद लोगों को छाता वितरण किया और जया फाउंडेशन की सचिव सुमन त्रिपाठी जी के साथ कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर सहयोग करते हुए आयोजन को सफल बनाया। आइए देखते हैं। जन विकास आवाज में मेरा कृष्णा जयसवाल सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। कोविड-19 को देखते हुए जया फाउंडेशन के माध्यम से सतीकी नगर में छाता वितरण किया गया। सतीकी नगर रहवासी संघ जया फाउंडेशन का धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो इस बिल्डिंग के लिए राशन भी बंटवाया था और अभी बारिश के शुरू होते उन्हें छतरी का भी वितरण किया, जिसके लिए हम जया फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जया मैडम का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से है। ग्राम परिषद तारडी में इंदु वर्मा, जो एक समाजसेवी हैं, उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में शंभुनाथ चौरसिया, महेंद्र पटेल, रामपाल पटेल जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और सम्मानित लोगों ने बच्चों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें सम्मानित किया। शायद है कि मैं जो है गांव में अपने ग्राम सभा में कुछ फेरबदल जरूर करूंगा, और हमारे सचिव जी हैं ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको बहुत शिक्षा दी, बहुत जानकारी दी, बहुत समझाया। आज हम इन्हीं के कुछ रास्ते पे जो मैं चल रहा हूँ, आज मैं इनको बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ कि गांव में सभा में समाज में ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। और हम वो लोग भूलते नहीं हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी कुछ हो जाएं, हम आचार्य जी बोलते थे, हम आचार्य जी को नहीं भूल पाएंगे। और दूसरी बात, ये कार्यक्रम रखने का हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों कि हम मुंबई में हर साल ये कार्यक्रम करते थे, तो मैंने यहाँ ये लॉकडाउन कोरोना में आया तो ऐसे घूमा टहला, देखा तो सबकी हिस्ट्री निकाला कि यहाँ पे शिक्षा की बहुत प्रॉब्लम है, जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज ग्राम सभा परिषद के प्राइमरी स्कूल में इंदु पटेल द्वारा जो आयोजित किया गया प्रोग्राम, कुछ हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को कुछ सम्मानित करने का पानी जो रखा गया है वो बहुत सराहनीय है, और यहाँ के बच्चों को जो वो बहुत बहुत ही अच्छा है। ज़रा हम उनसे बात करना चाहते हैं कि ये आपके मन में आया कहाँ से, तो ज़रा इनसे हम बात करते हैं। सर जो है आपका जो प्रोग्राम जी आपको कैसा लगा, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, आज का जो कार्यक्रम था महेंद्र श्री महेंद्र वर्मा जी द्वारा बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा लगा जी। मैं सभी आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जो अपना मूल्य समय दे करके बढ़िया पन्निया गिला दिया, तो उनको सभी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से सबको कैमरा बोर्ड से, अरे हम कैमरा चला लेंगे, पन्निया करता हूँ, करता हूँ। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और हम जरा बात करेंगे इनसे, हमारे जो समाजसेवी बहुत पुराने कर्मठी हैं राम प्रसाद वर्मा हैं, और ये जो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है ग्राम के बच्चों को आगे बढ़ाने का, शिक्षा शिक्षित करने का। और जरा हम इनसे बात करते हैं, सर आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आज कार्यक्रम रखा गया ये सराहनीय और सामाजिक कार्य, हाँ, इसके लिए हम इंदु वर्मा को बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। जन विकास आवाज़ न्यूज़ देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।